जा रहा है, अयोध्या जा रहा है श्री राम के दर्शन करने के लिए। सोचा था 12 जन के बाद नंबर पर बड़े इंतजार कर रहे थे। अच्छा, हाँ जी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सहयोग से फ्री में जा रहे, कोई खर्चा नहीं है, आने का नहीं, जाने का नहीं, खाने का नहीं, पीने का नहीं, मनोहर लाल खट्टर की वजह था हमारी पूरी कर दी भगवान ने, राम ने मिल के आने की। हम सोच रहे बड़े दिन तक सोच रहे थे हम अपने भगवान के दर्शन हो जाएंगे। बेटा बहुत खुशी है, बहुत कहीं भी फूल नहीं सकते हम, इतने फूले नहीं समा रहे हैं, बहुत खुशी। और ये मनोहर लाल के सहयोग से हुआ, धन्यवाद। मिला है बैग भी, मिला है बोतल, मिली है डायरी, मिली है कॉपी, मिला पेन भी, मिला सब कुछ मिला। आप देख सकते हैं सीएम मनोहर लाल सभी तीर्थ यात्रियों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। बैग जो दिया गया है उसके बारे में भी पूछताछ कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो यात्रा है वो रहने वाली है। और चेहरे पर मुस्कुराहट है सीएम मनोहर लाल के। तमाम तीर्थ यात्रियों के, तमाम महिलाओं से बातचीत करते हुए सीएम मनोहर लाल नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये बस तैयार है मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना हरियाणा के तहत करनाल से अयोध्या धाम ये यात्रा जाएगी और हर कोई भगवान श्री राम के दर्शन करना चाहता है, हर कोई रामलीला के चरणों में अपनी हाजिरी लगाना चाहता है। आप कंडक्टर हैं? यस। तैयार हैं पूरी तरह से? पूरी तरह से तैयार है गाड़ी। क्या कुछ रूट रहेगा, क्या कुछ समय सारणी रहेगी? ये हाईवे से केएमपी से होते हुए लखनऊ होते हुए सीधे अयोध्या जाएगी। अयोध्या जाएगी और हर कोई भगवान श्री राम के दर्शन करना चाहता है। ड्राइवर साहब है हमारे साथ, तैयार है सर? तैयार है सर। तैयार है पूरी तरह से, गाड़ी तैयार है। बस हम आपको दिखाएंगे जिस तरीके से एक वोल्वो बस होती है वो सुविधाएं इस बस में मिलने वाली है। आप जा रहे हैं अयोध्या? अयोध्या जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं बाबा जी और सभी एक झलक पाना चाहते हैं भगवान श्री राम की। हाँ जी, अयोध्या जा रहे हैं। अयोध्या जा रहे हैं। हाँ, खुश हैं, यात्रा हो रही है? बहुत अच्छी यात्रा, खुश जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं श्री राम के दर्शन करने के लिए। सोचा था 12 जन के बाद नंबर पर बड़े इंतजार कर रहे थे। अच्छा, हाँ जी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सहयोग से फ्री में जा रहे, कोई खर्चा नहीं है, आने का नहीं, जाने का नहीं, खाने का नहीं, पीने का नहीं, मनोहर लाल खट्टर की वजह था जा रहे हमारे को। तो आप कुछ कहेंगे? अब तो नहीं होगी, अपने तमन्ना हमारी पूरी कर दी भगवान ने, राम ने मिल के आने की। हम सोच रहे बड़े दिन तक सोच रहे थे हम अपने भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो भगवान श्री राम के दर्शन हो जाए। अंकल जी आप कहाँ से, आप भी जा रहे हैं? हाँ जी, करौंदे से जी। खुश है? खुश। आंटी जी? हाँ जी खुश है, बहुत खुश। बढ़िया है। तो दर्शन आप पहले टीवी पर ही किए होंगे? हाँ, टीवी का मोदी ने करवाया, मोदी ने टीवी में दिखाया, उन्हें ही बनवाया है। और अब है, अब बस से, अब बस है मनोहर लाल। तो आप देख सकते हैं तमाम यात्री कुछ आ चुके हैं, कुछ अंदर बैठे हैं और बस पूरी तरह से तैयार है। तमाम जो फैसिलिटीज बस में होनी चाहिए वो फैसिलिटीज इस बस में नजर आ रही है। सांसद संजय भाटिया भी पहुंच चुके हैं, तमाम यात्री पहुंच रहे हैं और सांसद संजय भाटिया और तमाम और लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि एक अच्छा सफल प्रयास है। और तमाम आप देख सकते हैं यात्री इस बस में जाएंगे सफर करने के लिए और यात्रा करेंगे। क्या कुछ कहेंगे? आप भी जा रहे हैं अयोध्या? हाँ जी, अयोध्या जा रहे हैं जी। अयोध्या जा रहे हैं जी, भगवान श्री राम के दर्शन, श्री राम के दर्शन करने जा रहे हैं जी। हमने तो पता भी नहीं था भी हम दर्शन भी कर पाएंगे जी। हाँ जी, तो सहयोग से हुआ है हरियाणा सही, कते बढ़िया, कते बढ़िया सही जो या कते सोचा भी था। अयोध्या देख लेंगे, भगवान शुक्र शुक्र है, अब देख लेंगे हमें। खुशी है पूरी आंटी जी? बहुत खुशी है बेटा, बहुत खुशी है, बहुत कहीं भी फूल नहीं सकते हम, इतने फूले नहीं समा रहे हैं, बहुत खुशी। और ये मनोहर लाल के सहयोग से हुआ। धन्यवाद जी सरकार का, सरकार। कुछ कहना चाहेंगे? योद्धा जा रहे श्री राम की तरफ से और हम बहुत, हमें सोचे भी था श्री राम की यात्रा करने लिए, मोदी की तरफ से हम बहुत यात्रा करने के जा रहे हैं, सब सरकार का खर्चे के थ्रू जा रहे हैं।
हमें बहुत बहुत शुक्रिया। हमें भी मिला है, बैग भी मिला है, बोतल मिली है, डायरी मिली है, कॉपी मिला, पेन भी मिला, सब कुछ मिला। तमाम ये तीर्थ यात्री है, बुजुर्ग यात्री है। आंटी जी आप कहाँ से? घरोंडा से। तो भगवान श्री राम के दर्शन करने जा रहे हैं? हाँ जी, बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ। बहुत अच्छा है जी। हाँ, तो सोचा था खुद से जा पाएंगे या? हाँ। वक्त लग जाएगा? लग जाएगा ना। हाँ। जी। लेकिन सहयोग से सरकार के पूरा हुआ? पूरा हुआ जी। हाँ जी, सरकार के सहयोग से पूरा हुआ जी। तो आप देख सकते हैं तमाम तीर्थ यात्री है, अलग अलग गांवों से आए हैं, अलग अलग जगहों से आए हैं और यहां पर भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए जाएंगे। आप देख सकते हैं हरविंदर कल्याण, साथ ही साथ भगवान दास कबीर पंथी तमाम उन तीर्थ यात्रियों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, उनके आगे अपनी जो बात है वो रखते हुए नजर आ रहे हैं। एक बहुत अच्छा प्रयास सरकार का जी। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में या हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, जिस प्रकार से देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति की चिंता कर रही है, मैं समझता हूं कि एक बहुत ये एक बड़ी बात है जो कि देश ने पहली बार इतनी गंभीरता देखी है कि समाज का को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे मजबूत करना है। उसी कड़ी में आज हमारी संस्कृति से जुड़कर जितने भी हमारे क्षेत्र के ऐसे लाभार्थी हैं और उनका अयोध्या जाना, मैं समझता हूँ एक बहुत ही गौरवमय ये क्षण है। मैं मुख्यमंत्री जी को की खास तौर पर प्रशंसा करना चाहूँगा जो कि एक बहुत संवेदनशीलता के साथ सभी कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रयास है। तमाम तीर्थ यात्री आप देख सकते हैं तैयार हैं जाने के लिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरी झंडी दिखाएंगे उस बस को और समय से पहुंच जाएंगे। अलग अलग जगहों से तमाम यात्री पहुंचे हैं, बैग दिया गया है और खाने पीने की तमाम वस्तुएं दी गई हैं, सामान दिया गया है ताकि किसी को भी परेशानी ना हो। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीएम मनोहर लाल करनाल पहुंच चुके हैं और तमाम जो नेता हैं, अधिकारी हैं, सीएम मनोहर लाल का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। आज एक शुभ दिन है क्योंकि सीएम मनोहर लाल हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे इस खास बस को। मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत इस बस को रवाना किया जाएगा। ये बस लखनऊ जाएगी, वहां पर स्टे होगा, उसके बाद अयोध्या जाएगी, वहां पर तमाम जो तीर्थ यात्री हैं वो दर्शन करेंगे भगवान श्री राम के और उसके बाद एक बार फिर से आगे की तरफ बढ़ेंगे। वापसी लखनऊ में स्टे रहेगा और उसके बाद फिर वापस 8 तारीख को करनाल पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं सीएम मनोहर लाल सभी तीर्थ यात्रियों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, बैग जो दिया गया है उसके बारे में भी पूछताछ कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो यात्रा है वो रहने वाली है। और चेहरे पर मुस्कुराहट है सीएम मनोहर लाल के, तमाम तीर्थ यात्रियों के, तमाम महिलाओं से बातचीत करते हुए सीएम मनोहर लाल नजर आ रहे हैं। करीब 48 तीर्थ यात्री जो हैं वो जाएंगे और ये तस्वीर बेहद अच्छी है क्योंकि एक बहुत अच्छा जो प्रयास है वो हरियाणा सरकार की तरफ से किया जा रहा है। देखिए असीम रामचंद्र महाराज की जय। बोल सियापते रामचंद्र महाराज की जय। तो आप देख सकते हैं तमाम तीर्थ यात्री बस में बैठते हुए नजर आ रहे हैं, जय श्री राम के जयकारों से जो बस है उसके जो तीर्थ यात्री हैं वो यहाँ पर आवाज सुनाई दे रही है और ढोल नगाड़ों के साथ इस बस को रवाना किया जा रहा है। आप भी जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं, बच्चे भी साथ जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी साथ जा रहे हैं, खुशी है सभी बच्चों के मन में और ये आप देख पा रहे हैं तीर्थ यात्री बस के लिए जो है जाते हुए नजर आ रहे हैं। खुशी है बच्चों के मन में भी और उत्सुकता भी है, अलग अलग जगहों से तीर्थ
यात्री जा रहे हैं अयोध्या नगरी। बस में सीएम मनोहर लाल चढ़ चुके हैं और तमाम तीर्थ यात्रियों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं सीएम मनोहर लाल। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से, तमाम तीर्थयात्रियों से सीएम मनोहर लाल मिलते हुए नजर आ रहे हैं और वो तमाम उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं जो जा रहे हैं करनाल से अयोध्या। आप देख सकते हैं सीएम मनोहर लाल तमाम तीर्थयात्रियों से बातचीत कर रहे हैं और सभी का धन्यवाद करते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम यात्री भी सीएम मनोहर लाल का धन्यवाद कर रहे हैं। जयकारा मनोहर लाल की तरफ से लगाया जा रहा है प्रभु श्री राम का और इस बस को आज रवाना किया जा रहा है सीएम मनोहर लाल की तरफ से। ये तस्वीरें आप करण कमल से देख पा रहे हैं जहां पर सीएम मनोहर लाल पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो यात्री हैं वो यहां पर बस में बैठ चुके हैं जो तमाम तीर्थ यात्री हैं और सीएम मनोहर लाल अब नारियल फोड़कर जो तीर्थ यात्रा की ये योजना है उसका शुभारंभ करते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक सुंदर तस्वीर है, एक भावुक तस्वीर है और आप देख सकते हैं खुशी का पल है तमाम लोगों के लिए जो जाएंगे अयोध्या नगरी और इस बस को रवाना किया जाएगा, हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। आप देख सकते हैं सीएम मनोहर लाल ने हरी झंडी हाथ में ले ली है और अब रवाना करते हुए सीएम मनोहर लाल नजर आ रहे हैं। ये बस बेहद खास है क्योंकि ये बस जाएगी अयोध्या नगरी करनाल से अयोध्या, ये बस जाने वाली है और आप देख सकते हैं कि एक अच्छा मौका है, एक अच्छा पल है और तो आप देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं खुशी का पल है और सीएम मनोहर लाल की तरफ से हरी झंडी दिखाई जा रही है। योगेंद्र राणा साथ में है और तमाम और साथ है। जय जय श्री राम के जयकारों से यहाँ पर करनाल की नगरी गूंज उठी है, करण कमल गूंज उठा है क्योंकि आज सीएम मनोहर लाल ने यहाँ पर हरी झंडी दिखाई है इस बस को और सीएम मनोहर लाल समेत तमाम जो तीर्थयात्री हैं वो यहाँ पर मौजूद है। सर 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 क्या कुछ कहना चाहेंगे आज का कार्यक्रम? सर नीचे कर लो, कर लीजिए यार। अजी क्या कुछ कहना चाहेंगे आज का? मित्रों, जैसा हम जानते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म स्थान के ऊपर एक भव्य मंदिर बने, 500 साल पुराना एक प्रकार का ये संघर्ष समाज का था, लंबी कहानी है। अंतोगत्वा 22 जनवरी को प्रधानमंत्री जी ने श्री राम लला जी के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करके और एक देश के गौरव को बढ़ाया। अब लोगों की बहुत बड़ी चाहत कि वहाँ उस मंदिर के दर्शन करने जाए, हमने योजना बनाकर मुख्यमंत्री तीर्थ स्थान यात्रा योजना ये घोषित की थी जिसका श्री गणेश आज किया गया है। आज उस योजना के अंतर्गत पहली ये बस वोल्वो बस जिसमें कितने 50 से ऊपर कितने 52 तीर्थयात्री उनको आज रवाना किया है और ये लोग आज रात्रि को लखनऊ रुकेंगे, कल मंदिर दर्शन करेंगे अयोध्या में जाकर और फिर कल रात्रि को वापस लखनऊ इनका रात्रि ठहराव होगा और परसों दोपहर तक वापस लौटेंगे। तो इसलिए इस यात्रा का श्री गणेश किया गया, शुभारंभ किया गया है। इसी प्रकार आगे अलग अलग स्थानों से बसों द्वारा या ज़्यादा संख्या होने पर ट्रेन भी बुक कराई जा सकती है, तो उस नाते से भी हम करेंगे। सब निःशुल्क रहेगा? इसके लिए हमने एक पोर्टल खोला है, उस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है अलग अलग स्थानों के लिए। अभी 700 लोगों ने उसमें रजिस्ट्रेशन कर लिया है
उसमें अयोध्या जी के दर्शन भी हैं, उसमें श्री हरमंदिर साहब गुरुद्वारा भी है, पटना साहब गुरुद्वारा भी है, उसमें काशी विश्वनाथ का मंदिर भी है, अन्य तीर्थ स्थानों के लिए भी धीरे धीरे उसमें खोलेंगे ताकि और यात्री भी देश भर में कहीं भी किसी स्थान पर जाने के लिए इच्छुक होंगे तो उसमें अप्लाई करेंगे। अभी इसमें कंडीशंस हैं कि 1,80,000 रुपये की इनकम के नीचे वाले परिवार, 60 साल से ऊपर के लोग, अभी केवल उनके लिए हमने फ्री किया है। इसमें और भी कुछ डिमांड आ रही है कि कुछ राशि किराया पैसा लेकर के और बाकी लोगों को इसमें कुछ ना कुछ सुविधा दी जाए, क्योंकि सामूहिक जाने का अपना एक आनंद होता है। हर कोई व्यक्ति एक टीम के रूप में टोली के साथ जाना चाहता है, उसका विचार कर रहे हैं। अभी हमने 1,80,000 रुपये तक और 60 साल से ऊपर के लोग, इनके लिए फ्री यात्रा का आयोजन किया। कल कुरुक्षेत्र से एक ट्रेन भी गई है सर, वो भी भेजी गई है अयोध्या। हाँ, अलग अलग संस्थाएँ भेज रहे हैं, कर रहे हैं। ये हमने एक प्रकार की सरकारी योजना है जिसका शुभारंभ किया है। बाकी संगठन अपने अपने तरीके से योजनाएं बना रहे हैं, कोई ट्रेन के द्वारा, कोई बस के द्वारा। तो ये योजना केवल सरकार के माध्यम से चलेगी, ऐसा नहीं, बाकी संगठन भी उसमें काम। दूसरी लिस्ट कब तक आ सकती है हरियाणा के लिए? शायद आज मीटिंग भी है बस यात्रियों को अयोध्या जाने के लिए? नहीं, पंजाब लोकसभा के लिए सर, चर्चा उसी की भी। तो आपने तो दूसरी लिस्ट मांगी जो चर्चा चल रही है उसी की यात्रा लोकसभा की सर। देखिए, वो क्योंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम है कब निकालेंगे कब नहीं निकालेंगे, हम तो चाहते हैं जल्दी निकालें। अभी उसमें से 195 लोगों की लिस्ट डिक्लेयर हो गई है और मुझे लगता है कि आचार संहिता लगने से पहले हमारी पार्टी की जो सारे सिस्टम हैं बहुत तीव्र गति से सब चल रहे हैं। हमको भी आज पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने, तो आज नहीं, पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने तो हम परसों जाएंगे, आज वहाँ हमारी जो चुनाव समिति है हरियाणा की, उस नाते से उसमें से कुछ सीनियर लोगों को उन्होंने बुलाया है और उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड फाइनली 8 तारीख को हरियाणा की चर्चा चल रही है सर। हिसार या फिर सोल राइट लाइज विद पार्लियामेंट्री बोर्ड, चर्चा चल रही है कि हिसार या भिवानी महेंद्रगढ़ जेजेपी को दे सकते हैं। इट लाइज विद द पार्लियामेंट्री बोर्ड ऑफ द पार्टी, उनका अधिकार क्षेत्र है, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इसमें मैं अभी टिप्पणी। सर, करनाल लोकसभा को क्लियर कर दीजिए कि भाटिया जी लड़ रहे हैं किसी और को, पार्लियामेंट्री बोर्ड ही सब तय करता है। सर, आप क्या चाहते हैं? सर, मैं तो बहुत कुछ चाहता हूँ। सर, एक सवाल, जिस तरीके से मध्य प्रदेश और राजस्थान में मोदी की गारंटी पर विधानसभा का चुनाव लड़ा गया, हरियाणा का चुनाव मनोहर की गारंटी पर होगा या मोदी की गारंटी पर? गारंटी तो मोदी जी की ही चल रही है, हम तो भरोसा दे सकते हैं हर बात का, जिस बात की गारंटी मोदी जी लेते हैं हम उसका भरोसा देते हैं कि उसको पूरा कराएंगे। सर, किरण चौधरी का कहना है कि हरियाणा में पानी नहीं है और आप राजस्थान को पानी दे रहे हैं, ये सरकार की गलत नीति है। देखिए, ये एक बहुत ही मिस इन्फॉर्मेशन के आधार पर उन चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ कि डिमांड तो बहुत वर्षों से ये थी कि उनका जो शेयर है, जो 1700 या 1900 क्यूसिक का है हाथरी कुंड से, हमको हरियाणा के पानी के साथ साथ मिले। हरियाणा इस समय अपने स्टैंड पर लगातार डटा रहा कि हम अपने शेयर के साथ नहीं रह सकते, हमारा शेयर पानी का पूरा होने के बाद यदि सरप्लस बचता है, खास करके वर्षा के दिनों में, वर्षा के दिनों में कई बार बाढ़ भी आ जाती है, हम देखते हैं 6-7 लाख क्यूसिक पानी भी यमुना में आता है, हम तो यमुना के नज़दीक रहते हैं। तो ऐसा हमारा पहले उस समय जब ये समझौता हुआ था 13,000 क्यूसिक पानी था, बाद में ये फिर 18,000 क्यूसिक हुआ, अब 24,000 क्यूसिक और 6 महीने बाद हमारे जो कैरियर आप देख रहे हैं कि SOIL या जो हमारी SOIL नहीं WGC, इसकी कैपेसिटी बढ़ रही है, तो उस कैपेसिटी बढ़ी 24,000 मैक्सिमम हम उसमें से पानी विड्रा कर सकते हैं। 24,000 के बाद यदि पानी बचता है तो वो बजाय समुद्र में जाने के या बाढ़ लाने के, इसके ऊपर जो होगा वो राजस्थान उसमें से अपने शेयर को लेके जाए। सर, 7 बच्चे हैं जो रशिया गए थे, 6 पंजाब के, 1 हरियाणा का है, आज अखबारों में भी खबर है, उनने वो टूरिस्ट वीजा पर गए थे लेकिन वहां की सेना ने उन्हें पकड़ लिया, कहा यूक्रेन से लड़ो वरना जेल में डाल देंगे, आपके संज्ञान में ये मामला? अभी नहीं है, आपने बताया। सर, सुशील गुप्ता का कहना है कि हरियाणा के अंदर क्राइम बढ़ रहा है और दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं लेकिन बीजेपी सरकार सोई हुई है और किसी को, ये आप कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं? सुशील गुप्ता का जींद में बयान था। हाँ, तो सुशील गुप्ता को जो जवाब देना होगा मैं सार्वजनिक रूप से दूंगा और आंकड़ों सहित दूंगा। अब संयोग से दुर्भाग्य ये है कि वो कहीं किसी जिम्मेवार प्लेटफॉर्म तो करते नहीं है, कुछ भी जो नाप से नाप बोलना होता बोलते हैं। हमारे पास सारे आंकड़े पिछले वर्षों के भी, इस वर्षों के भी, लगातार हर क्षेत्र में अपराध कम हो रहा है,
इसलिए जब कम हो रहा है, अब अपराध खत्म हो गया और कभी खत्म हो जाएगा इस विषय की तो गारंटी मैं नहीं लेता, लेकिन लगातार कम होने में भी हम सोचते हैं कि हमारी सफलता है कि बहुत चीज़ों को हमने क्राइम को कंट्रोल किया है। हमारे दिल्ली के आसपास जो क्राइम की गति पहले भी ज़्यादा होती थी, अभी भी 3 जिले तो उसको हमने कमिश्नरेट बना दिया था लेकिन झज्जर को नहीं बना पाए थे। अब घोषणा हमने कर दिया कि झज्जर को भी कमिश्नरेट ऑफ पुलिस सीपी बैठेंगे, उनको बनाया ताकि इस विषय पर और ध्यान देकर के सख्ती। लखपति दीदी के बारे में भी प्रधानमंत्री देख सकते हैं, सीएम मनोहर लाल करनाल पहुंचे हैं और यहां पर अब यहां से रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं अनाज मंडी की तरफ, ताकि वहां पर जो कार्यक्रम है उसे अच्छे से पूरा किया जा सके। और खुशी है तमाम राजनीतिक बयानों पर भी वो अपनी राय रखते हुए नजर आए और अब यहाँ से सीएम मनोहर लाल अनाज मंडी की तरफ रवाना हो रहे हैं। वहाँ पर जो कार्यक्रम है लखपति दीदी का, जिसमें एक लक्ष्य है पूरे भारत के अंदर करीब 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाया जाए। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में मौजूद रहेंगे, वहीं राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम है वो करनाल में है और सीएम मनोहर लाल यहाँ से अनाज मंडी की तरफ रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप करण कमल देख रहे हैं। तो तमाम विषयों पर सीएम मनोहर लाल ने अपनी राय रखी और करीब अब 52 यात्री जा रहे हैं अयोध्या नगरी और उसी के लिए आज यहां से बस को हरी झंडी दिखाकर सीएम मनोहर लाल ने रवाना किया है। वहीं राजनीतिक मुद्दों पर भी वो अपनी राय रखते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जल्द ही दूसरी लिस्ट भी जारी हो जाएगी और सब कुछ पार्लियामेंट्री बोर्ड पर निर्भर करेगा कि कौन सा उम्मीदवार कहां से चुनाव लड़ेगा। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग।